सरकार ऐसी बनाइए जो गरीबों के हक में काम कर सके, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सके, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके, जो लोगों के स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान दे सके, दवा का इंतजाम कर सके। ऐसा नेता सिर्फ पूरे देश के अंदर एक है जिसका नाम अखिलेश यादव। लेकिन मुझे कष्ट के साथ यह कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की 7-8 साल की सरकार ने इस तरह से गांव में कोई योजना नहीं चलाई जिसका लाभ गांव के लोगों को मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं विधायक तो बना लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी, और इस सरकार के पास गाँव के विकास के संबंध में कोई योजना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती, सांप्रदायिकता और नफरत के आधार पर सरकार बनाती है और राजनीति करती है, ऐसे लोगों को सरकार से बेदखल अगर कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी का संगठन कर सकता है। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा के सपा विधायक अखिलेश यादव ने अपने जन सरोकारों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को 3 सौगात देते हुए सोहवल में 200 मीटर इंटरलॉकिंग रोड, नवापुरा के राजभर बस्ती में 250 मीटर नाला तथा छतरपुर के पासवान बस्ती में 200 मीटर इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण किया। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि मुझे विधायक मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया है, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करूं, जनता की सेवा करूं। इसी कड़ी में आज 3 काम हमने जनता को समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ क्षेत्र में जब जनसंपर्क करते हुए हम नवापुर के राजभर बस्ती में पहुंचे थे तो उस क्षेत्र में पानी भरा हुआ था, तब स्थानीय लोगों ने नाला की मांग की थी ताकि ग्रामीणों को जल जमाव से मुक्ति मिल सके। आज हमने राजभर बस्ती के लोगों की पानी भरने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं दूर कर दी है। उसी तरह से ग्रामीणों की मांग पर सोहल में 200 मीटर इंटरलॉकिंग और छतरपुर के पासवान बस्ती में भी 200 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि से करवाया गया है। सपा विधायक ने कहा कि हम विभिन्न गांवों में विधायक निधि से नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग रोड, CCTV बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा विधायक अखिलेश यादव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2022 में मैं जब विधायक बना तो चुनाव के पहले माहौल सत्ता परिवर्तन का दिख रहा था, लेकिन चुनाव के बाद परिणाम दूसरे आए, नहीं तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गाँव की भी हालत बदली बदली नजर आती। इस दौरान सपा विधायक ने योगी सरकार के गांव के विकास को लेकर चल रही योजनाओं और प्रयासों को फेल बताते हुए कहा कि अगर जनता वास्तव में विकास देखना चाहती है तो 2027 में सत्ता परिवर्तन करके अखिलेश यादव को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को लाने का काम करें। इस दौरान गाँव और क्षेत्र के तमाम लोग, सपा नेता और कार्यकर्ता तथा क्षेत्र की जनता ने सपा विधायक का स्वागत किया। वहीं सपा विधायक ने फीता काटकर गांव के लोगों को सौगात दिया। पहले तो मैं अपने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे अपना मतदान करके इस लायक बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। दूसरे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं विधानसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विकास और तामीर तरक्की के काम करा सकूं और विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में रह करके सेवा कर सकूं और विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रख सकूं। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इधर कई गांवों में विधायक निधि के माध्यम से और पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से भिन्न भिन्न गांवों में नाली के निर्माण का काम, CC रोड का कार निर्माण का काम, इंटरलॉकिंग के निर्माण का काम कराया गया था। तो हमारे संगठन के साथियों ने और क्षेत्र के साथियों ने आग्रह किया था इन सड़कों पर लोकार्पण हो जाए ताकि लोगों को जानकारी हो सके यह काम कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ लोगों से संपर्क का माध्यम भी बन जाता है। तो इस तरह से इन कामों का लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू है। आज की तारीख में तो आप नयापुरा खालसा में राजभर भाइयों के बीच में एक लंबी नाली थी,
जिसकी वजह से पानी का जल जमा हो जाता था। पिछले दिनों में माननीय धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव में आया था तो लोगों ने उसके निर्माण का आग्रह किया था, तो वहाँ नाली का निर्माण हुआ। फिर हमारे सोवल के भाइयों ने एक इंटरलॉकिंग रोड का की डिमांड किया था तो उनका इंटरलॉकिंग का रोड बना है। ये हमारा छतऊ ग्राम सभा है, यहाँ हमारे पासी समाज के भाइयों ने इस सड़क पर निर्माण की बात कही थी तो आज इनके यहाँ भी इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। कुल मिलाकर ये तीनों कार्य कितने बजट से कराए? अब अनुमान कम से कम मैं समझता हूँ कि 40 लाख का कम हो, लेकिन और भी काम हुए हैं, और भी काम हुए हैं जो लगातार अब आपको समाचारों के माध्यम से देखने को मिलेगा। कई गांव में हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं और काम हुए हैं और हो भी रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जब आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं? जब मुझे विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला तो मुझे भी उम्मीद थी और क्षेत्र के लोगों को भी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है जो ग्रामीण के विकास पर ध्यान देती है और गांव देहात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए विकास के काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं विधायक तो बना लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी और इस सरकार के पास गाँव के विकास के संबंध में कोई योजना नहीं है। 12-17 के बीच में मेरे प्रयास से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम गाँव में गलियों में सीसी रोड बनने का काम हुआ था, नालियां बनने का काम हुआ था, तमाम लोगों को लोहिया आवास मिला था और समाजवादी पेंशन मिली थी, बिजली के भी काम हुए थे। लेकिन मुझे कष्ट के साथ यह कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की 7-8 साल की सरकार ने इस तरह से गाँव में कोई योजना नहीं चलाई जिसका लाभ गाँव के लोगों को मिल सके। तो एक समस्या है और कठिन परीक्षा भी है, फिर भी मेरी जितनी सामर्थ्य है अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा और अपने लोगों की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम। विधानसभा के क्षेत्र के ग्रामीणों को क्या संदेश? हमारा संदेश है कि अपने जनप्रतिनिधि को पहचानिए, सरकार ऐसी बनाइए जो गरीबों के हक में काम कर सके, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सके, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके, जो लोगों के स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान दे सके, दवा का इंतजाम कर सके। ऐसा नेता सिर्फ पूरे देश के अंदर एक है जिसका नाम अखिलेश यादव है और पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती, सांप्रदायिकता और नफरत के आधार पर सरकार बनाती है और राजनीति करती है, ऐसे लोगों को सरकार से बेदखल अगर कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी का संगठन कर सकता है। तो हम लोगों को भी यही चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाए और हम सबसे अपील आग्रह करेंगे अपने अगल बगल पास पड़ोस जहाँ तक भी आपकी पहुँच है समाजवादी विचारों को लोगों के बीच में ले जाइए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए ताकि अखिलेश यादव को आने वाले दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सके। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।